जनरल प्रिंसिपल्स अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स के तहत हमने प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, इन दोनों प्रिंसिपल्स को डिटेल में बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हमने इन दोनों प्रिंसिपल्स को कवर किया है। अगर आप वीडियो में नए हो और प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी या प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम, ये जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी टॉपिक्स को मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आप देख सकते हो। आज इस वीडियो में हम इजी वे में समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। राइट, तो व्हाट इज लाइबिलिटी? लाइबिलिटी इज बेसिकली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर थिंग्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम ये जानते हैं कि अगर एक पर्सन अपने किसी एक्ट या ओमिशन के द्वारा किसी दूसरे पर्सन के प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन करता है तो उसके कुछ लाइबिलिटीज बनती हैं। इस केस में ही इज लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन टू द प्लेंटिफ, या जिसे हम रॉन्ग सीकर कहते हैं। राइट, तो ये जो लाइबिलिटी है इसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं तीन भागों में। वाइकेरियस लाइबिलिटी, जिसमें हमें तीन रिलेशनशिप को पढ़ना होता है, मास्टर एंड सर्वेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। मास्टर एंड सर्वेंट के केस में एक्सेप्शन क्या है? तो वो है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। राइट, दूसरा है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, और तीसरा है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। अगर सिंपल वर्ड्स में हम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझे तो हम ये कह सकते हैं कि कोई एंटरप्राइज या कोई इंडस्ट्री जब किसी हजार्डस एक्टिविटीज में एंगेज होती है और वही उसका मोड ऑफ बिजनेस होता है, जैसे कोई कंपनी है या कोई इंडस्ट्री है, कोई एंटरप्राइज है जो कि केमिकल्स बनाती है या फर्टिलाइजर्स बनाती है या कोई अदर एक्टिविटीज करती है, तो अगर इन केस कोई इशू होता है, राइट, इसके उस एक्टिविटी के वजह से, जैसा कि हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी के केस में देखा था, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, गैस लीक के वजह से अराउंड 3000 पीपल वर डाइड, राइट, तो कोई इंटरप्राइज या इंडस्ट्री हजार्डस एक्टिविटीज में एंगेज है और इन केस किसी वजह से पब्लिक पे इसका इंपैक्ट पड़ता है, जब पब्लिक इंजरी होती है, तो उसके लिए जो सोल लाइबिलिटी होगा वो उस एंटरप्राइज के ऊपर होगा, वो उस इंडस्ट्री के ऊपर होगा, और वो इंटरप्राइज किसी प्रकार का डिफेंस नहीं ले सकती है कि उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं था, उसका कोई इंटेंशन नहीं था, और जो कुछ भी हुआ वो बिकॉज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड हुआ, या जो पर्सन इंजर्ड हुआ
देयर वॉज हिज और हर फॉल्ट, तो प्लेंटिफ का फॉल्ट था, प्लेंटिफ फॉल्ट, या प्लेंटिफ्स कंसेंट, ऑल वॉज हैपन बिकॉज देयर वॉज कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ बाय द एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी. तो हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में ये देखा कि ये सभी क्या हैं, एक्सेप्शंस हैं, ये सभी डिफेंसेस अवेलेबल हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केस में. लेकिन जब हम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो वहां टॉट फीजर को या रॉन्ग डूअर को, और यहां पे जो रॉन्ग डूअर होगा वो केवल और केवल एंटरप्राइज होगा, इंडस्ट्री होगा, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं होगा. तो यहां पे वो एंटरप्राइज, वो इंडस्ट्री जो हजार्डस एक्टिविटीज में एंगेज था, तो वो सोलेली लाइबल है अगर इन केस कोई एक्सीडेंट होता है, और वो एंटरप्राइज किसी प्रकार का कोई डिफेंस नहीं ले सकता है और ये नहीं कह सकता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं था, उसमें उसका कोई इंटेंशन नहीं था, और इन चारों में से किसी भी डिफेंस का वो यूज नहीं कर सकता है. तो दैट एंटरप्राइज, दैट इंडस्ट्री इज सोलेली लाइबल फॉर ऑल इट्स एक्ट्स, ऑल इट्स एक्शंस, राइट. तो ये है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. क्योंकि जो इंडस्ट्री है, जो एंटरप्राइज है, बेसिकली सोसाइटी का ही एक पार्ट है, सोसाइटी के ही रिसोर्सेस का यूज करके प्रॉफिट अर्निंग कर रही है, तो उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो लोगों को बेटर लाइफ प्रोवाइड करें, लोगों के सेफ्टी पर ध्यान दे, एनवायरमेंट पर ध्यान दे. तो इनके इस कोई हार्म होता है पब्लिक को, तो उसके लिए लाइबल केवल वही एंटरप्राइज होगा और वो कोई डिफेंस नहीं ले सकता है. यही है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, राइट. तो ये जो कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का, इसे फॉर्मुलेट किया गया था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बाय द जस्टिस पी एन भगवती. तो ये जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से इंडियन ओरिजिन का है, और इसे कई दूसरे देशों ने भी अडॉप्ट किया है, राइट. इट मींस एंटरप्राइज और इंडस्ट्री इज लाइबल फॉर ओन एक्शंस नो मैटर वेदर देयर वॉज इंटेंशन, देयर वॉज प्रेजेंस ऑफ मेंस रिया और नॉट. तो यहां पे कोई डिफेंस अवेलेबल नहीं होता है, और इसलिए हम इसे कहते हैं कि इट इज मोर स्ट्रिक्टर या मोर स्ट्रिक्ट देन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. क्योंकि जब आप मोर वर्ड यूज कर रहे हो तो यहां पे आप स्ट्रिक्टर नहीं लगा सकते, ठीक. तो यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी माइनस एक्सेप्शंस, दीज आर द एक्सेप्शंस, राइट. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी माइनस एक्सेप्शंस इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. इसे हम प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी. भले ही आपकी कोई फॉल्ट नहीं थी, आपका कोई इंटेंशन नहीं था, देन ऑल्सो यू आर सोलेली लाइबल, यू आर एब्सोल्यूटली लाइबल फॉर ऑल योर एक्ट्स. और यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एंटरप्राइज है, इंडस्ट्री है, ना कि कोई पर्टिकुलर पर्सन. इन इंडिया रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इन इंडिया रूल ऑफ
एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वॉज फॉर्मुलेटेड इन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये जो हमारे पास केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसे हम कहते हैं ओलियम गैस लीक केस। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वॉज फॉर्मुलेटेड इन रेलेंड वर्सेस फ्लेचर केस। ठीक है, तो अगर हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में बात करें तो एमसी मेहता एक जाने माने अधिवक्ता थे। इन्होंने सूट फाइल किया, एक रिट पिटीशन फाइल किया अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट, तो उसके आर्टिकल 32 के तहत इन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया। और ये जो हमारा केस है, ये केस बेसिकली भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद का केस है और एक साल के अंदर का केस है। और इन्होंने कहा कि जो श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी है, इसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये इंटरप्राइज डेंजरस केमिकल सबस्टांसेस को मैन्युफैक्चर करती है दिल्ली के डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में, कीर्ति नगर में। और इन केस अगर भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा कुछ हो जाता है तो हमें एक बड़ा लॉस हो सकता है फिर से। और इस इंडस्ट्री का, श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी का जो ऑपरेशन है वो टोटली लोगों के आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। इट इज इमिनेंट डेंजर, इट्स ऑपरेशन इज इमिनेंट डेंजर फॉर द पब्लिक लाइफ। अभी ये जो PIL था वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग ही था कि जो एक्सपेक्टेशंस थी एमसी मेहता की वो सच हो जाती है और ओलियम गैस लीक कर जाता है। हालांकि ज्यादा लोग इससे प्रभावित नहीं हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी एक हादसा हो जाता है। फिर हमारा जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद से इनैक्ट किया गया, तो उसमें कुछ और प्रोविजंस ऐड किए गए और उसे और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया। राइट, और इसी केस में एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को अडॉप्ट किया और कहा कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है, राइट, तो उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार कौन होगा? इंटरप्राइजेस होंगे। और आप किसी भी डिफेंस का यूज नहीं कर सकते हो। राइट, अब इस केस में बेसिकली तीन लीगल इश्यूज को उठाए गए थे। जैसे सबसे पहला था कि ये जो हैजार्डस इंडस्ट्रीज हैं, क्या इन्हें अलाउ किया जाना चाहिए कि ये ऑपरेट करें, राइट, उन एरियाज में जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है। दूसरा, इन केस अगर ये ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या इनके पास एडिक्वेट मैकेनिज्म है, रेगुलेटरी प्रिकॉशंस मेजर्स हैं जिन्हें ये अडॉप्ट करके एक्सीडेंट को बचा सकते हैं, क्या इनके पास प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं या नहीं है। और तीसरा, इन केस ऑफ एक्सीडेंट इनकी लाइबिलिटी क्या होगी और अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन क्या होगा। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे इंडस्ट्रीज का ऑपरेशन रेगुलेशन हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट, ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट दीज इंडस्ट्रीज कैनॉट टेक डिफेंस बाय स्टेटिंग दैट इट फॉलोड ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड वॉट ऑल हैपेंड इट वॉज ओनली एक्ट ऑफ गॉड और ड्यू टू एनी अदर रीजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये अपने एक्ट के लिए सोलली लाइबल हैं, एब्सोल्यूटली लाइबल हैं, और ये कल को ये नहीं कह सकती हैं कि इन्होंने प्रॉपर मेजर्स लिया था, प्रॉपर स्टेप्स लिया था,
फिर भी जो हादसा है वो हो गया था, क्योंकि अभी तक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के तहत कंपनीज अपने आप को बचा लेती थी ये कह करके कि साहब जो भी हुआ वो एक्ट ऑफ गॉड के वजह से हुआ, राइट, या अदर डिफेंसेस की वजह से हुआ, इन डिफेंसेस का वो यूज कर लेती थी। लेकिन अब वो किसी डिफेंस का यूज नहीं कर सकती हैं, इस केस में ये बता दिया गया। तो इस केस को नो फॉल्ट लाइबिलिटी के नाम से जाना गया, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को नो फॉल्ट लाइबिलिटी के नाम से जाना गया, राइट। तो ये था एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट। इट इज मोर स्ट्रिक्टर देन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी। And when we subtract exceptions from strict liability, we get the concept of absolute liability, right? So this is all about today's lecture. आज के इस वीडियो में हमने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल को डिटेल्ड वे में, सिंपल वे में समझा, एंड आई होप कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इस लायक अब हो गए होगे कि आप अपने आप से नोट्स बना सकते हो, अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे खुद के नोट्स तैयार कर सकते हो। इन केस अगर आपको फिर भी नोट्स चाहिए, आपका कोई डाउट है, तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो। आईडी है ra.jan9827 या आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो फॉर asking any doubts and for notes, right? तो अब अपने next class में हम बात करेंगे joint and several liability, क्योंकि law of torts में joint liability भी होती है और individual liability भी होती है, जैसे हम several liability भी कहते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे remoteness of damages के बारे में। अगर आप टॉट लॉ के केवल इतने ही टॉपिक्स को अच्छे से समझकर एग्जाम में जाते हो तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इनके बियॉन्ड नहीं आएंगे और आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोज़ डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।